I'm Ritu Chauhan. मैं रिसेंटली शिफ्ट हुई हूँ भोपाल गुड़गांव से. मुझे तुम अपना नंबर दो. मेरा नंबर है. हाय ऋतु है ना मेरी बंदी है. ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए और क्या. दोस्तों Amazon Mini TV ने तो कसम खा रखी है कि इस साल जितने भी अच्छे कंटेंट है वही बनाएंगे. मतलब कि इस साल की शुरुआत में अभी तक जितने भी उनके शोज आए हैं सब के सब सुपर हिट रहे. लेकिन इसी लिस्ट में एक और नाम जुड़ चुका है जो है गुटरगू. जी हाँ दोस्तों, गुटरगू अभी हाल ही में Amazon Mini TV पर रिलीज हुआ है. जिस शो को अगर आप देखते हो तो आपके चेहरे पर स्माइल आएगी. कुछ एक सीन में आप इमोशनल हो जाओगे और फैमिली ड्रामा देख कर तो आपको मजे आने वाले हैं. जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर गुटरगू एक ऐसा शो है जिसमें आपको एक रोमांटिक लव स्टोरी तो देखने को मिलती है, साथ ही साथ यहाँ पर फ्रेंडशिप का तड़का और फैमिली के इमोशन भी काफी अच्छे तरीके से प्रेजेंट किए हैं. अब दोस्तों आप जानते हो कि अगर शो Amazon Mini TV पर रिलीज हुआ है तो आप इसे फ्री में देख सकते हो, क्योंकि Amazon Mini TV अच्छा कंटेंट तो बनाता है. ऊपर से अच्छी बात क्या है कि वो शो आपको फ्री में देखने को मिलते हैं. बस आपको आपके मोबाइल के Amazon शॉपिंग ऐप को ओपन करना है, वहां पर मिनी टीवी पर क्लिक करना और देखिए ढेर सारे नए शो जिसमें अभी एक आया है गुटरगू. तो अगर बात करें कि गुटरगू की बेसिक स्टोरी क्या है, तो दोस्तों यहां पर गुटरगू की कहानी शुरू होती है रितु और अनुज से. अब रितु एक नाम की लड़की है जो कि भोपाल में कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करती है, जहां पर उसकी मुलाकात होती है अनुज से. अब अनुज रितु को देखते ही पहली बार में फ्लैट हो जाता है और बस चाहता है कि किसी तरह रितु उसकी लाइफ में आ जाए और वो दोनों कपल बन जाए. अब अनुज रितु को पाने के लिए क्या क्या हथकंडे अपनाता है, कैसे अपने दोस्तों से एडवाइस लेता है और किस तरह वो रितु से अपने दिल की बात कह पाता है या नहीं, यही सब आपको देखने को मिलेगा गुटरगू शो में. अब आपको बता दूं दोस्तों, गुटरगू के टोटल 6 एपिसोड है और हर एक एपिसोड 20 से 25 मिनट के अराउंड का है. और इसके शो जब आप देखने बैठोगे ना तो एक एपिसोड के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा एपिसोड कब खत्म हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा. क्योंकि भैया यहां पर इसके शो के जो स्क्रीन प्ले राइटर है उन्होंने शो को इतने स्मूथ तरीके से लिखा है कि पहला एपिसोड तो आप चालू कर लोगे, उसके बाद दूसरे और बाकी एपिसोड के लिए आपके अंदर जो एक्साइटमेंट है वो बढ़ती रहती है. और यकीन मानिए कि पहली बार में ही आप 6 के 6 एपिसोड देख डालोगे और आपको अलग ही फील और अलग ही मजे आने वाले हैं. यहाँ पर दोस्तों गुटरगू शो में कुछ ऐसी चीजें हैं जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई. पहली तो देसी पेरेंट वाली बात. जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो अनुज की मोम का कैरेक्टर है ना, वो कैरेक्टर इतना रियलिस्टिक है कि जिससे आप अपने आप को कनेक्ट कर लेते हो. इसके अलावा अगर भोपाल की बात करें, क्योंकि इसकी कहानी जो है ना भोपाल में सेटअप की गई है, तो यहाँ पर भोपाल को जिस तरह से प्रेजेंट किया है काफी अच्छा लग रहा है. साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर कोचिंग लाइफ दिखाई है. कभी ना कभी हम लाइफ में कोचिंग क्लासेस ज्वाइन कर चुके हैं, तो अगर आप अपनी कोचिंग लाइफ को मिस कर रहे हो तो इस शो को देखते वक्त आपको अपने कोचिंग लाइफ के वो सुनहरे पल याद आने वाले हैं. इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच की जो नोकझोंक है वो काफी बढ़िया तरीके से प्रेजेंट की है. खास करके अनुज एज अ बॉयफ्रेंड काफी बढ़िया लग रहा है, वही रितु एक अंडरस्टैंडिंग गर्लफ्रेंड के रोल में काफ़ी बढ़िया लग रही है. और इन दोनों की जो केमिस्ट्री है ना बहुत परफेक्ट लगती है और ऑन स्क्रीन ये कपल काफ़ी क्यूट भी लग रहे हैं. साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर अमित भैया का जो कैरेक्टर है ना काफ़ी बढ़िया, और वो जो इस तरह की टेरिबल एडवाइस देते हैं अब मजे आ जाते हैं उनको स्क्रीन पर देखते वक्त. इसके अलावा उमेर और आदि की फ्रेंडशिप को जिस तरह से दिखाया है, इसे देखकर आपको अपनी लाइफ के जो सबसे क्लोज फ्रेंड है ना उनकी याद आती है. तो यहाँ पर दोस्तों टीनेज लव रोमांस काफ़ी बढ़िया तरीके से दिखाया. और कहीं ना कहीं ये कहूँगा कि इस तरह की लव स्टोरीज आज के समय में ना तो बॉलीवुड में देखने को मिलती है ना ही किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म के शोज पर. क्योंकि हम देखते हैं कि भैया आजकल अगर किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर लव स्टोरी शोज आता है तो उसमें ज्यादातर गंदगी यानी कि एडल्ट सीन घुसेड़ दिए जाते हैं. लेकिन यहां पर गुटरगू में जिस तरह की लव स्टोरी दिखाई है काफी प्योर और इनोसेंट है. अगर आप एक साफ सुथरी लव स्टोरी देखना चाहते हैं जिस स्टोरी को देखते वक्त थोड़े से चेहरे पर स्माइल आए, कुछ एक कॉमेडी सीन देखने को मिल जाए, हल्का फुल्का रोमांस, साथ ही साथ एक इमोशनल एंगल, तो मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि Amazon Mini TV ओपन कीजिए और वहां पर देखिए गुटरगू. जी हां दोस्तों, गुटरगू शो वाकई में काफी कमाल का शो है और मैं इस शो को दूंगा 4 out of 5 स्टार. और आपको रिकमेंड करूंगा कि टाइम निकालिए और देखिए Amazon Mini TV पर गुटरगू, जिसके 6 एपिसोड कब खत्म हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा. और इस शो को देखने के बाद आप खुद भी बोलोगे कि वाव यार, इस तरह के शो तो और बनना चाहिए. तो दोस्तों अभी जाइए Amazon के शॉपिंग ऐप ओपन कीजिए और वहां पर मिनी टीवी पर देखिए गुटरगू.